मैं हूं प्राची और आज हम बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड के बारे में सोचते ही हमारे मन में ख्याल आता है ब्यूटी, सेरेनिटी, नेचर, यशराज जी के प्यारे प्यारे गाने, और उसके बाद का ख्याल होता है एक्सपेंसिव। स्विट्जरलैंड सच में एक एक्सपेंसिव कंट्री है, लेकिन अगर अच्छे तरह से प्लान किया जाए तो बजट में स्विट्जरलैंड की ट्रिप की जा सकती है। मैंने और मेरे स्पाउस ने रिसेंटली ही स्विट्जरलैंड की एक बजट ट्रिप की थी। टिप नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में दो भाग होते हैं, पहला इंडिया से स्विट्जरलैंड तक की जर्नी और उसके बाद का यानी स्विट्जरलैंड के बीच में से जर्नी। फ्लाइट के बारे में तो सबको मालूम है, डायरेक्ट से अच्छा है ले ओवर वाली फ्लाइट ली जाए। डायरेक्ट फ्लाइट एक्सपेंसिव होती है, ले ओवर वाली फ्लाइट कंपेरेटिवली अच्छे से सस्ती होती है। कंपेरेटिवली बोल रही हूँ, लेकिन अच्छे खासे 10,000 तक सस्ती मिल जाती है, तो आप ले ओवर वाली फ्लाइट लीजिए। ले ओवर कितना होना चाहिए उसका प्लीज ध्यान दीजिए। कम, अगर बहुत कम ले ओवर होता है तो बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है, कभी कभी फ्लाइट मिस भी हो सकती है, तो ले ओवर कम से कम 2 घंटे का तो रख लीजिए। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। स्विट्जरलैंड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही महंगा है, तो अगर आप चाहते हैं तो एक कार रेंट करके घूम सकते हैं, लेकिन फॉरेन में कार चलाना, उनके रूल्स रेगुलेशन, इनके बारे में अगर आपके मन में हिचकिचाहट हो तो अच्छा ऑप्शन है स्विस ट्रैवल पास। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ही है, हमने यही खरीदा था। स्विस ट्रैवल पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इससे आप स्विस की रेलवे, स्विस की बस, स्विस की ट्राम में मुफ्त ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही में कुछ फेरी बोट्स की राइड्स भी फ्री होती है। ये पास अगर आपके पास हो तो आपको ढेर सारे म्यूजियम में फ्री एंट्री मिल जाती है। बहुत सारे टूरिस्टी प्लेसेस या फिर जो भी अट्रैक्शंस होते हैं उनमें आपको बहुत डिस्काउंट मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर दिया जाए, एग्जांपल के तौर से, तो है टिटलिस। टिटलिस की मतलब जर्नी के लिए आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, यूंगफ्राउ के लिए 25% मिलता है, और ऐसे ढेर सारे। पिलाटस और रिगी पे जो घूमने की बात करें तो वो तो फ्री में मिल जाता है। तो स्विस ट्रैवल पास अगर आपके पास हो तो आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। ये बहुत सारे ऑप्शंस में अवेलेबल है, 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए, 8 दिनों के लिए, या फिर 15 दिनों के लिए। और अगर आप 26 साल से कम है तो आपको यूथ पास मिल सकता है। साथ ही में अगर आप फैमिली जा रहे हो, मतलब पेरेंट्स के साथ अगर बच्चा है, तो बच्चे की जर्नी फ्री में हो जाती है। इसके सभी रूल्स और रेगुलेशंस उनके साइट पे मिल जाते हैं, उनके साइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। अब बात करते हैं होटल्स के बारे में। होटल स्विट्जरलैंड में बहुत ही महंगे होती है, फिर भी होटल कंपेयरिंग साइट्स जैसे स्काई स्कैनर है या फिर ट्रिवागो है या फिर और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उनकी मदद से आप अच्छा खासा रिव्यूज के हिसाब से होटल्स देख सकते हैं। फैमिली या फिर कपल जा रहे हैं तो होटल अच्छा रहता है। हॉस्टल्स बहुत सस्ते होते हैं और बहुत ही वेल मेंटेन्ड और किफ़ायती रहते हैं, लेकिन वो बैकपैकर्स या फिर फ्रेंड्स के लिए अच्छे हैं। फैमिली के लिए शेयर्ड टॉयलेट और शेयर्ड बाथरूम यूज़ करना कंफर्टेबल नहीं रहता, तो उनके लिए होटल्स अच्छे रहते हैं। हमने इंटरलाकन एरिया में होटल में स्टे किया था। उससे बढ़िया ऑप्शन रहता है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ से आप कुछ रूम्स बोलिए या फिर एक मकान बोलिए या फिर एंटायर अपार्टमेंट बोलिए, आप रेंट पे यानी किराए पे कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं। हमने 3 दिन के लिए, नहीं सॉरी 4 दिन के लिए एयरबीएनबी से एक एंटायर अपार्टमेंट रेंट पे लिया था। इसमें हमें एक बेडरूम, एक हॉल और किचन मिला था। किचन इसमें होने की वजह से हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि हम खुद का खाना खुद पका सकते हैं। अगर आप एयरबीएनबी चूज करेंगे तो मैं एक इनवाइट लिंक देती हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो इस्तेमाल करके आप थोड़े से पैसे बचा सकेंगे। अब बात करते हैं फूड और पानी के बारे में। फूड वो भी महंगा है। अगर आप मसाला चाय पीने जाएंगे तो 3.5 फ्रैंक की है, रोटी खाएंगे 3 से 4 फ्रैंक, कौन सी भी सब्जी लेंगे बेसिक सब्जी तो कम से कम 20 फ्रैंक, ऐसे अगर आप खाएंगे तो आपका बिल बढ़ता ही जाता है और आपका बजट हद से बाहर निकल जाता है। तो उससे अच्छा है पैकेज फूड लेके जाओ,
हमने बहुत सारे पैकेज फूड लेके जाते हैं, जैसे रेडी टू ईट सब्जियां रहती है, गिट्स की आती है, एमटीआर की आती है, वो लेके जा सकते हैं। हम राइस लेके गए थे जो हम कुक करके खाते थे, या फिर बहुत सारे रेडी टू ईट पोहा, मैगी, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। इससे आपका ढेर सारा पैसा बच जाता है। रेडी मतलब गर्म पानी में चाय डालो, रेडी मिक्सचर, वो भी आपका बहुत पैसा बच जाता है। और एक अच्छी टिप है, वहाँ पे सुपरमार्केट्स रहते हैं, जैसे कि कूप है, मिग्रोज है, डेनर है, नाम याद रखना, कूप, मिग्रोज, डेनर। यहाँ पे बहुत सारे ग्रोसरी आइटम्स मिल जाते हैं, ब्रेड बटर मिल जाता है, तो आप घर पे जाके ब्रेड बटर खा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। एक स्विट्जरलैंड की बहुत अच्छी बात है, आप कहीं पे भी घूमने जाओगे तो वहाँ आप खुद का खाना लेके जा सकते हैं और वहाँ खा सकते हैं। खाना अलाउड नहीं, ऐसे जगह बहुत कम है, सिर्फ शायद यूंगफ्राउ के ट्रेन में आप खाना नहीं खा सकते, बाकी हर जगह खाना लेके जा सकते हैं और खा सकते हैं। तो आप अपना खुद का खाना लेके जाइए और वो पैसे बचा सकते हैं। तो ये रही खाने की बात। पानी के बारे में बोला जाए तो पैकेज वाटर बहुत ही महंगा रहता है, लेकिन बढ़िया बात यह है कि टैप वाटर ड्रिंकेबल है। साथ ही में जो बड़े शहर है, जैसे कि ज्यूरिख है, लुसर्न है, बर्न है, यहाँ पे इंटरलकिन में भी है शायद, तो यहाँ पे ना बहुत सारे फाउंटन्स है, तो ये फाउंटन में जो भी पानी रहता है वो भी ड्रिंकेबल है। हमने ये पानी पिया है, मैंने पिया है, टैप वाटर भी पिया है, फाउंटन का वाटर भी पिया है, हम लोग स्वस्थ है, तो पानी तो आप वो पी सकते हैं। पानी अगर आप ऐसा है कि नहीं बाबा पैकेज वाटर ही पीना है, तो फिर से डेनर, कूप या मिग्रोस, ये सुपरमार्केट में से खरीदिए, वहां पे कंपैरेटिवली सस्ता पानी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं चॉकलेट्स के बारे में। स्विट्जरलैंड में जाएंगे और चॉकलेट्स नहीं खाएंगे, या फिर चॉकलेट्स फैमिली और फ्रेंड्स के लिए नहीं लेके आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चॉकलेट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे फेवरेट और फेमस है लिंट। लिंट की ढेरों सारे जगह फैक्ट्रीज है। अगर बात की जाए तो जो टूरिस्टी प्लेसेस है, जैसे कि यूंगफ्राउ में लिंट की फैक्ट्री है, वहाँ पे उनके दाम थोड़े से ज़्यादा है, तो वहाँ की जगह, लोकल जगह, जैसे कि लुसर्न में एक जगह है, वहाँ भी उनकी फैक्ट्री है, वहाँ थोड़े से कम दाम में वही मिलते हैं। अगर लिंट का ही चॉकलेट लेना है तो सुपरमार्केट में भी कभी कभी डिस्काउंटेड प्राइस पे वही मिल जाता है। सुपरमार्केट्स के खुद के ब्रांड्स रहते हैं, उनके भी चॉकलेट्स मिलते हैं, वो तो काफी सस्ते मिल जाते हैं। अगर बताना ही जाए सस्ते में से सस्ता चॉकलेट, तो डेनर का चॉकलेट आता है, प्लेन चॉकलेट रहता है, काफी बड़ा बार रहता है, लेकिन वो 0.5 फ्रैंक में मिल जाता है, यानी काफी सस्ता रहता है। तो आप ढेर सारे चॉकलेट्स ला सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों में बांट सकते हैं, अपनी खुशी और चॉकलेट्स शेयर कर सकते हैं। तो चॉकलेट्स के बारे में जितना बोला जाए उतना कम ही है, फिर भी ढेर सारे चॉकलेट्स लो, सुपरमार्केट से लो, और लोग टूरिस्टी प्लेसेस से अच्छा है कि थोड़े कम टूरिस्टी। अगर सुपरमार्केट की भी बात की जाए तो जैसे बिजी एरियाज है, जैसे कि स्टेशन पे रहेंगे तो वहाँ थोड़े ज़्यादा प्राइजेस रहते हैं, थोड़े डिस्टेंस में जाके अगर आप सुपरमार्केट से लोगे तो वो थोड़े कम प्राइस रहते हैं। ऐसे छोटे मोटे तो टिप्स रहेंगे, पर फिर भी जो हमने नोटिस किया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बात करती हैं मिसलिनियस मतलब सुवेनियर्स के बारे में। सुवेनियर्स आपने DDLJ तो ज़रूर देखी होगी, शाहरुख खान काजोल के लिए बहुत ही खूबसूरत सी बेल देता है। आप अगर वैसे ही बेल अपने लिए लेने जाओगे, हाथ से भी कम छोटी सी ऐसी बेल 9 फ्रैंक की आती है। हमने तो सुवेनियर लेने से हाथ ही ऊपर कर लिए, और हम अपने जो ट्रैवल पासेस है वो एज अ सुवेनियर करके हमने रखा है। सुवेनियर्स बहुत ही महंगे होते हैं, फिर भी सेम टूरिस्टी प्लेसेस से अच्छा है लोकल शॉप से खरीदो, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, पर फिर भी ज़्यादा सस्ते की उम्मीद करना मतलब गलत ही बात है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट में लिख के दीजिए, मैं अपने में ज़रूर सुधार लाऊंगी। थैंक यू।